तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है। तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेगी, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जरूर है तो हमने उनकी सलाह मानी। ये आप लोगों को सूचना देनी थी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। दिल्ली में 2025 में विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में दिल्ली की 7 सीटों पर कब्जा करने के बाद चुनाव में मजबूत होती भी नजर आ रही है। लेकिन देखा जाए तो अब जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज यहाँ पर कोर्ट का फैसला आता है और फैसले के तहत अब 23 तारीख को उनकी अगली सुनवाई तय की गई है। अब ऐसे में देखा गया कि हाल ही में जिस तरह से दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जमानत पर बाहर आते हुए नजर आए हैं और उसके बाद से पार्टी दफ्तर पर जश्न का माहौल बनता हुआ देखा गया और पार्टी को नई मजबूती मिलती भी देखी जा रही है। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि किस तरह से आखिर आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता पर दोबारा कब्जा करने में कामयाब होती है, क्योंकि देखा गया पिछले दोनों ही विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से बड़ी जीत हासिल करी और भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी। तो अब माहौल जो है कहीं ना कहीं पिछले बार के विपरीत है और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी निर्णायक भूमिका में नजर आ रही है। वैसे में देखना दिलचस्प होगा क्या आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सत्ता पर दोबारा वापसी होती है या फिर नहीं। ऐसे में इस तमाम मामले को लेकर कहीं ना कहीं सौरभ भारद्वाज आम आदमी पार्टी के नेता यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए नजर आए और उन्होंने तमाम बड़े खुलासे किए मनीष सिसोदिया के जेल में रहने को लेकर, उनकी जमानत को लेकर और साथ ही दिल्ली में जिन समस्याओं से दिल्ली की जनता जूझ रही है उस पर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से सियासी हमले करती हुई नजर आ रही है उस पर भी तमाम बड़े खुलासे करते हुए नजर आए। आप देखिए इस वीडियो में। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि मनीष जी 17 महीने केंद्र सरकार के षड्यंत्रों के कारण जेल में रहे और सुप्रीम कोर्ट ने उनको जमानत दी और उसके बाद पार्टी की तरफ से अनाउंसमेंट की गई थी कि 14 तारीख से यानी कि आज से मनीष जी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में पदयात्रा करेंगे, लोगों से मिलेंगे। आज ये पदयात्रा ग्रेटर कैलाश विधानसभा में होनी तय थी, मगर कल दिल्ली पुलिस की तरफ से कहा गया है कि सुरक्षा और सतर्कता के कारणों से स्वतंत्रता दिवस से पहले उसकी पूर्व संध्या पे इसको ना करके इसको पोस्टपोन कर दिया जाए एक दो दिन तो बेहतर होगा, क्योंकि मामला स्वतंत्रता दिवस का है, सुरक्षा और सतर्कता का है। और हमें लगा कि पुलिस की सलाह जेन्युइन सलाह है। तो मनीष जी ने ये कहा है कि इस पदयात्रा को 14 अगस्त को ना शुरू करके 16 अगस्त से शुरू करेंगे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के अगले दिन से शुक्रवार को उसी समय 5 बजे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में डीडीए फ्लैट्स कालकाजी इलाके में पदयात्रा की शुरुआत जो है की जाएगी। हम नहीं चाहते कि इस अच्छे मौके पे किसी भी तरीके का कन्फ्रंटेशन पुलिस से किया जाए। जब हमें लगा कि वो सलाह जेन्युइन है तो हमने उनकी सलाह मानी। ये आप लोगों को सूचना देनी थी। अगर आपके पास कोई प्रश्न है तो आप पूछ। देखिए, ये हमारा जो है मंशा नहीं थी। हो सकता है कि ऊपर वाले को ये मंजूर हो, ऊपर वाले का ये डिज़ाइन हो, क्योंकि दिल्ली पुलिस की सलाह हो और हम मान भी लें तो इसके अंदर तो प्रकृति का कुछ ना कुछ जो है हस्तक्षेप है। तो ये तो और भी शुभ हो गया कि मुख्यमंत्री जी के जन्मदिन से, हालांकि उनका जन्मदिन तारीख के हिसाब से 16 अगस्त है मगर हिंदू तिथि के हिसाब से उनका जन्मदिन जो है जन्माष्टमी पे है 26 अगस्त को, तो ये भी एक अच्छा
सरकार के लिए जो है और पार्टी के लिए जो अच्छा संकेत है कि उनके जन्मदिवस से मनीष जी जो है इस पदयात्रा की शुरुआत करेंगे। 16 अगस्त ग्रेटर कैलाश विधानसभा डीडीए फ्लैट्स कालका जी विधायक कार्यालय से शुरुआत करेंगे। ये चलती ही रहेगी, ये तो चलती रहेगी 5 बजे। अभी तो चलेगी, फिर बीच बीच में आकलन करेंगे। सभी दिल्ली के इलाकों को हम लोग कवर करेंगे। अभी तो इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जैसे जैसे प्लान बन रहा है तब तक चलाएंगे। अगर कोई और कार्यक्रम पार्टी का तय हो जाएगा फिर उस कार्यक्रम में इसको जो है तब्दील कर लेंगे। यमुना नदी का जो वार्निंग लेवल है वो है 204.5 मीटर। कल ये 204.35 मीटर तक पहुंचा था, तो एहतियात के तौर पे डिपार्टमेंट्स को हाई अलर्ट पे डाला गया था और मैं भी विभागों के साथ जगह का निरीक्षण करने गया था, मगर अब पानी जो है रिसीड कर रहा है और इस वक्त यमुना का लेवल ओल्ड रेलवे ब्रिज पे 203.3 मीटर के करीब है। तो कहा जा सकता है कि अभी कोई ऐसे खतरे की बात नहीं है। और हथनी कुंड बराज से करीब 10,000 क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अभी कुछ दिनों तक जो है इस लेवल के बढ़ने की आशंका है। सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रेसिडेंस सेट किया है उसमें कुछ बातें उन्होंने अहम बताई हैं। पहला कि अगर ट्रायल शुरू करने में देरी जांच एजेंसी की वजह से है तो उसके लिए आरोपी को प्रताड़ित नहीं किया जा सकता, उसको हमेशा के लिए जेल में नहीं रखा जा सकता। दूसरा, मामला चाहे पीएमएलए का भी क्यों ना हो, 45 सेक्शन की जमानत को ओवरराइड करेगा आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेल इज अ राइट, जेल इज एन एक्सेप्शन। तो मुझे लगता है कि उस आधार पर ही अरविंद केजरीवाल जी को भी इसके अंदर राहत मिलनी चाहिए। तो आपने देखा कि किस तरह से सौरभ भारद्वाज ने तमाम बड़े खुलासे किए और भारतीय जनता पार्टी की साजिशों पर यहाँ पर कहीं ना कहीं जिस तरह से पर्दा डाला जा रहा था उसको खुलासा करते हुए नजर आया। और ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि अब कहीं ना कहीं मजबूत होती हुई दिख रही है मनीष सिसोदिया की जमानत पर बाहर आने के बाद, अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगर अरविंद केजरीवाल भी रिहा हो जाते हैं तो आम आदमी पार्टी को विधानसभा चुनाव में एक बड़ी मजबूती मिलती हुई नजर आएगी और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से दोबारा पहले की तरह ही कहीं ना कहीं बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी और दिल्ली के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करती हुई नजर आएगी। देखना होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ समीकरण बनते हुए नजर आते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN9 News।